सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज हम जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है रंगीला, और जैसा कि ये फिल्म का टाइटल दर्शा रहा है रंगीला, तो काफ़ी रंग बिरंगी फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर हर एक वो रंग नज़र आएगा आप लोगों को जो कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा से मिसिंग है, या लोग जो देखना चाहते हों, या लोग कुछ नया रंग भी देखना चाहते हो, वो बहुत सारे नए रंग इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा कि इस फिल्म का नाम है रंगीला, और रंगीला मेरा ही नाम है फिल्म में, और मैं एक बहुत ही रंग बिरंगे मिजाज का लड़का हूँ, अपनी मस्ती में धुन रहता हूँ। और जो सबसे ख़ास बात है इस फिल्म की वो ये है कि अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी भोजपुरी सिनेमा में नहीं आएगा। ये पहली बार एक नया एक्सपेरिमेंट है, पहली बार एक नई सोच है, नया कॉन्सेप्ट है हमारे सारे दर्शकों के लिए। तो मैं ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों से, पूरे भोजपुरी परिवार से, कि जब भी ये फिल्म लगे, जब भी रंगीला लगे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे समूह के साथ, अपने सारे दोस्त यार के साथ जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये जो आपने कॉस्ट्यूम पहना है, इसमें क्या अलग है? ये फिल्म में भी आप शूट कर रहे हैं क्या इसी कॉस्ट्यूम में? नहीं, एक्चुअली ये वाइट एंड वाइट एक सीक्वेंस के लिए हमारे जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं श्री रवि सिन्हा जी, उनकी ये खास डिमांड थी कि इस सीक्वेंस के लिए मैं वाइट एंड वाइट ड्रेस पहनूँ। लेकिन इस सीक्वेंस के अलावा इस फिल्म में, जैसा कि मेरा नाम ही रंगीला है, काफ़ी रंग बिरंगे कपड़े मैंने पहने हैं, काफ़ी कलरफुल कपड़े पहने हैं। और इस टाइटल के साथ ही साथ ये फिल्म वैसी ही है रंगीला, पूरी फिल्म आपको बहुत ही रंगीन, बहुत ही कलरफुल नज़र आएगी। और इसमें जो और एक अच्छी बात है, वो इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए उनके मुताबिक हर टाइप का मसाला है, हर टाइप का उनके एक जो वो चाहते हैं वो सारी चीज़ें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। क्या एक्ट्रेस के साथ भी आप? बिल्कुल, अब नाम अगर रंगीला है तो थोड़ा सा मन मिजाजी लड़का होगा ही, और इस मन मिजाजी की जो हीरोइन है वो है तनुश्री। हाल ही में हमारी फिल्म आई थी दुल्हन शाही पाकिस्तान से, जिस जो काफ़ी ज़्यादा सफल रही, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया उस फिल्म को, काफ़ी सराहा उसको, और उस फिल्म में हमारी केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो हमने वही प्यार को, वही जोड़ी को फिर से रिपीट किया है इस फिल्म में, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि वही जो लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, वही प्यार दोबारा इस फिल्म में हम दोनों को, और हमारे जितने भी सह कलाकार, जितने भी इस फिल्म में मेरे जितने भी कलाकार मेरे साथ हैं, उन सभी को वो प्यार, वो आशीर्वाद ज़रूर मिले। रियल लाइफ में किससे प्यार करते हैं? रियल लाइफ में तो मैं एक नहीं कहूँगा, बहुत सारे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो एक्चुअली एक से तो कभी प्यार हो ही नहीं सकता है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा चंचल सा मन है ना मेरा, इसीलिए। अगर न्यू ईयर आ रहा है तो क्या करते हैं न्यू ईयर के दिन? मैं पहले वो बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कौन है, एक्चुअली मैं मेरे दर्शकों के बारे में बात कर रहा था, तो इसको दूसरे पैर में मत लीजिएगा। एक्चुअली मैं दिल से जिसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मेरा परिवार, और मेरे परिवार के बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा जो मानता हूँ, वो हमारे सारे दर्शक हैं, जो पूरा जितने भी भोजपुरी हम, अगर हम हमारे यूपी बिहार से हटकर अगर कोई भी भोजपुरी अगर मुझे कहीं भी बाहर मिलता है, तो वो मुझे लगता है कि मेरे ही परिवार का कोई सदस्य है, मेरी परिवार का कोई आदमी है। तो ये चाहत, ये जो एक फीलिंग है हमारे दर्शकों के लिए, वो मेरे तरफ से भी है, और शायद उनसे, मेरी मुझसे ज़्यादा उनकी है मेरे लिए। और मैं यही दुआ करूँगा कि यही प्यार, यही आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। अगर लव की बात करें तो किसके साथ हुआ? स्कूल कॉलेज में किसी का क्रश हुआ? नहीं, नहीं, मेरा क्रश पहला, मेरा क्रश ही था मेरी 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 ऑडियंस, जिसको मैंने तह दिल से बहुत ज़्यादा प्यार किया, और वही प्यार का नतीजा है जो मुझे रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है उनकी तरफ से। तो न्यू ईयर की बात करें तो किस तरह का न्यू ईयर आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? अभी एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है न्यू ईयर के बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, धमाका होगा। और जैसा कि बात आ रही है न्यू ईयर, तो 2017 में काफ़ी ज़्यादा एक से एक बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत फिल्में आप सभी को देखने को मिलेंगी मेरी। और जिस फिल्म, जो सबसे पहले फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का नाम है मोहब्बत, उसके बाद आएगी रंगीला, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी फिल्में हैं। और हम नए साल में जनवरी में पहले ही महीने से एक नई फिल्म की शुरुआत करने आ रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है ससुराल, जो एक मेरे, और जिनने भी उस फिल्म का कॉन्सेप्ट सुना है, जिनको भी उस फिल्म की कहानी पता है, मेरे हिसाब से वो फिल्म उस दौर को फिर से ले आएगा, जब लोग एक, जो एक पारिवारिक जब माहौल हुआ करता था हमारे भोजपुरी सिनेमा घरों में, जो एक परिवार के साथ लोग बैठकर हंसी खुशी अच्छे से फिल्में देखा करते थे, वो माहौल फिर से लौटेगा इस फिल्म के माध्यम से।
लेकिन इसमें हमारे दर्शकों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, सबसे ज़्यादा साथ चाहिए। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो भी फिल्में मेरी लगे, मैं हमारे दर्शकों को नज़र में रखते ही सारी फिल्में करता हूँ। कि चूँकि जब भी मेरी फिल्म लगती है, मैं सबसे पहले अपने ही परिवार के साथ बैठकर मैं अपनी फिल्म देखता हूँ। और मैं ये हमेशा ये मैं प्रयास करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मेरे परिवार के एक भी सदस्य की कहीं भी नज़र ना झुके मेरी फिल्म देखते वक्त। तो ये मेरी हमेशा से एक कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा एक बेहतरीन पारिवारिक फिल्म और मनोरंजक फिल्म देता रहूं। चूँकि सिनेमा समाज का आईना है, तो समाज में जो भी घटता है हम उसे दिखाते हैं, हम उसे दर्शाते हैं, हमारे दर्शकों तक वो पहुंचाते हैं। तो चूँकि उसमें नोक झोंक, छेड़छाड़, रोमांस, साथ ही साथ जो परिवार का जो इमोशन है वो मैं हमेशा रखना चाहता हूं, जो एक्चुअल में जो है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो विलुप्त भी होती जा रही धीरे धीरे। तो मैं हम सभी सिनेमा के माध्यम से जो लोग मैसेजेस देते हैं, लोग तक बातें हम पहुंचाते हैं, तो मेरी यही हमेशा से ये कोशिश रहता है कि जितने भी हमारे परिवार हैं वो एकता उनमें बनी रहे, एक रहें, एकत्रित रहें और ऐसे एकता के साथ फिल्मों को देखते रहें।